नमस्कार दोस्तों, ये जो वैकेंसी हम डिस्कस करने वाले हैं, तीन यूनिवर्सिटी से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड कुछ में प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में जो है हम इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन को हम डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ठीक है, तो ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सैलरी देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ग्रेड टू में एक में लेवल 10 और एक में लेवल 11 जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि 57,700 रुपये बेसिक सैलरी होती है लेवल 10 में। एंड प्लस जो है यहाँ पर ये 6 पे कमीशन का जो है पे कमीशन जो है इक्विवेलेंट जो है आपको दिखाया है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12, ठीक है, वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू की जो लेवल 10 की 30 वैकेंसी है, लेवल 11 की 46 वैकेंसी है, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 की 67 वैकेंसी है। यहाँ पे जो है हम सब्जेक्ट देख लेते हैं किन किन सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ, 9 सीरियल नंबर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो हम देखते हैं डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो है मैं दिखा देता हूँ आपको, अप्लाइड मैकेनिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस जो मैंने बता दिया, इंग्लिश लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिजिक्स जो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है उसमें यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कहाँ से जो है ये वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी आई मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज से जो है ये वैकेंसी है। ये 17 फरवरी को एडवर्टीजमेंट निकला था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस अब इसकी जो अंतिम तिथि है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 25 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। एंड ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, हार्ड कॉपी आपको भेजनी है, 2 जुलाई 2021 5:30 बजे तक हार्ड कॉपी भी आपकी पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट के लिए यानी कि इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक जो है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक में जो है यहाँ पर आपकी जो है पीजी डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपका जो नॉर्मली होता है वो आपका नेट, सेट या पीएचडी, लेकिन यहाँ पर फ्योर ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट अप्लाइड साइंस के लिए जो है यहाँ पर और एन इक्वलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर मांगा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द डिटेल्स पोस्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एज लिमिट जो है अप टू 60 ईयर्स है। आवेदन फीस जो है यहाँ पर 500 रुपये है फॉर अनरिजर्व और आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और दिव्यांगजन और वुमेन्स कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, और टीचर्स ऑफ MNNIT इलाहाबाद के अगर हैं उनको यहाँ पर कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिस्क्राइब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है एंड एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे आप देखिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए या तो बीटेक हो आपकी या फिर जो है एमसीए हो या फिर एमटेक हो और कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। एंड अगर आपकी जो है एप्लीकेंट हु हैव कम्प्लीटेड पीएचडी, जिन्होंने बीटेक के बाद पीएचडी डिग्री की है डायरेक्टली, ठीक है, वो भी यहाँ पर जो है, और जो सच एप्लीकेंट मस्ट हैव 75% जो है अंक अगर उनके हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे नेट, सेट और कहीं पे नहीं दिख रहा है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर का आपका रहेगा, नॉट फॉर कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन इन रेगुलर पे स्केल। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको जो है लास्ट डेट जो है मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे आपको भेजना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हार्ड कॉपी जो है आपको यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भेजना, यूनिवर्सिटी का एड्रेस रहने वाला है, ये आपका एड्रेस रहने वाला है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी वैकेंसी की तरफ। दूसरी जो वैकेंसी है हमारी वो आई है बैंगलोर यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर जो है 14 जून 2021 का जो है ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ किसकी सब्जेक्ट में। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए जो है लेवल 14 यानी कि बेसिक सैलरी स्टार्टिंग 1,44,200 प्लस जितने भी भत्ते वो दिए जाएंगे, केमिस्ट्री जियोलॉजी में है। एंड यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिलोसफी में भी है। एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश में है, फिजिक्स में है, मैथमेटिक्स में, जूलॉजी में है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है लेवल 10 57,700 यहाँ पर, फिजिक्स अप्रैल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो है यहाँ पर वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रार बैंगलोर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये पिन कोड रहेगा। लास्ट डेट जो है 30 जुलाई 2021 जो है आप बिफोर 5 बजे के, यानी कि यहाँ पे ऑफलाइन आपको जो है आवेदन करना है, ठीक है। तो बाकी जो है हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं कैसे आपको यहाँ पे जो है आपको अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। अच्छा, जो ये वैकेंसी है ये स्पेशली फॉर कर्नाटका स्टेट है, जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बेंगलोर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वे यहाँ पर जो है यहाँ पे द सैड कैंडिडेट रिजाइडिंग आउटसाइड द कैंडिडेट्स एंड इन अब्रॉड में आल्सो अप्लाई, यानी कि एक्सक्लूसिवली ये जो है कर्नाटका स्टेट के जो एससी एसटी है उनके लिए जो है ये वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप आवेदन कर सकते हैं। हमारी जो तीसरी जो वैकेंसी है वो है सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब, ठीक है, जो पंजाब से जो है यहाँ पर ये वैकेंसी है, सिटी यूनिवर्सिटी फिरोजपुर रोड लुधियाना की जो है ये यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट ये यूनिवर्सिटी है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एकेडमिक विद मास्टर्स एंड पीएचडी, डीन एसोसिएट डीन असिस्टेंट डीन की वैकेंसी है, डायरेक्टर एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डेप्यूटी रजिस्ट्रार प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे जो है एनेस्थीसिया टैली इंस्ट्रक्टर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस मार्केटिंग एचआर मैनेजमेंट और इतने सारे जो है सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर वैकेंसी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी ट्रेनर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नॉन टीचिंग रोल्स की भी यहाँ पर वैकेंसी है। अब आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन जो है मेंशन पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको रिज्यूम भेजना है 7 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं careers@citiyuniversity.in या बाय पोस्ट रजिस्ट्रार सिटी यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर जो है कोई यहाँ पे पे स्केल जो है बोल रहे हैं कि अच्छा ही दिया जाएगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, ये थी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।